हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं काढ़ा, और काढ़ा जिसे होंजा टी भी आप कह सकते हैं, आजकल बहुत फेमस है होंजा टी, तो वो भी एक तरह का काढ़ा ही होता है। काढ़ा एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मैंने बहुत पहले अपने वैदिक स्टार्ट इन के ब्लॉग पे मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 3 साल पहले की बात है जो मैंने शेयर किया था, तो वहाँ पे लोगों ने उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैंने सोचा कि आज ऑल्दो ये बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बूस्ट करना, क्योंकि लोग अभी पीड़ित हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ही आप जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उससे आप फाइट कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा काढ़ा। आप चाहें तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आप चाहें तो गिलोय का रूट जो है, स्टेम जो है वो डाल सकते हैं, आप चाहें तो एलोवेरा डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा आप चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं दी गई है, आप जो भी चाहें उसमें डालिए, क्योंकि हर लोगों का अलग तरीका होता है रेसिपीज़ को बनाने का। और इंग्रेडिएंट्स जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, जैसे कि कुछ मसाले, गर्म मसाले होते हैं, वो लोग डालते हैं, ताकि ये होंजा टी या फिर जो कवायम होता है, कसायम या होंजा टी या फिर आप उसे काढ़ा कह लीजिए, वो बन सके। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस रेसिपी को, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग बनाएंगे होंजा टी, या फिर जिसे आप काढ़ा कह सकते हैं, कसायम कह सकते हैं। तो ये एक तरह का टी होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और होंजा जो प्लेस है, वहाँ पे इंडियंस जो भी रहते हैं एक्सट्रीमली नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, वो हिंदू कुश रेंज में रहते हैं, हिंद कुश रेंज में, और वो वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन को माना जाता है। तो वो सारे लोग जो होते हैं वो 110 साल तक जीते हैं, इसलिए इससे उस प्लेस के लोगों की जो टी होती है वो आजकल बहुत फेमस हो गई है, होंजा टी, क्योंकि वो लोग काढ़ा बनाते हैं और उसी काढ़ा को वहाँ के लोग के नाम से ही रख दिया गया है, उस वैली या फिर हिंदू कुश रेंज के नाम से ही रख दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी यूज़ किया है वो है जैगरी, जो कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो खून को भी कमी जो होती है खून की उसे ठीक करता है, ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, और इवन ये बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज़ किया है वो है धनिया के बीज। तो धनिया के बीज जो होते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग करती है, करते हैं ये, फिर अर्थराइटिस के लिए, कंजक्टिवाइटिस जो हो जाता है आँखों में प्रॉब्लम, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को भी ये अच्छा करता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, और वुमेन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है जो मैंने यूज़ किया है वो है अदरक। तो अदरक जो है उसके तो कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में बहुत सक्षम होता है, इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, फिर मधुमेह में ये लाभदायक होता है, हृदय रोग के लिए भी लाभदायक होता है, और पाचन क्रिया को बहुत बूस्ट करता है। तो अदरक जो है वो मैं बताती हूँ किसे नहीं खाना चाहिए, छोटे बच्चों को जो 1 साल से छोटे हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, फिर जो माताएं हैं उन्हें मतलब 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और दिन भर ये 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं बात करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसके बारे में, तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये काली मिर्च खांसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गले के दर्द के लिए अच्छा होता है, गैस की प्रॉब्लम है अगर किसी को तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दांत के नीचे बस चबा के रख लीजिए, आपकी खांसी रुक जाएगी, तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर तुलसी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने जो यूज़ किया है वो है तुलसी।
तो तुलसी जो होता है वो हम लोग इसे माता मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है और एक माता जैसे बालक को पालन करती है उस तरह से तुलसी माता भी हमारा पालन करती है। जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेंट्री होती है, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर हो जो होते हैं, जो क्रोनिकल डिसऑर्डर होते हैं उन्हें ठीक करती है, फिर डिप्रेशन से मैनेज करती है, फिर बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है, डिटॉक्स भी ये होता है एक। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन। तो सिनेमन जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, स्किन के एक्ने और पिंपल्स के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए आपके फ्री रेडिकल्स को ये ठीक करता है, एजिंग को ये कम कर देता है, स्लो कर देता है और बालों के लिए भी अच्छा होता है। अब बात करेंगे क्लोव्स की। तो क्लोव्स जो होता है वो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कैंसर से बचाता है, बैक्टीरिया को किल करता है और जो हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उन्हें ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, ब्लड शुगर को भी ये मैनेज करता है, स्टोमक के अल्सर को ये ख़त्म करने का गुण रखता है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम के बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक कार्डमम जो होता है वो मेडिसिनल उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो यूज़ किया जाता है उससे कॉन्स्टिपेशन के लिए, डिसेंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ग्रीन कार्डमम जो होता है वो ट्रीट किया जाता है स्लीप ट्रबल्स के लिए। तो ये दोनों जो कार्डमम है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और गैस की जिन्हें प्रॉब्लम है उससे भी ये छुटकारा दिलाता है। अब तीसरा जो इन्ग्रीडियंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है हल्दी। तो हल्दी जो है वो अल्जाइमर्स और कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, और ये बहुत सारे डिप्रेशन और अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है और ये बहुत अच्छा होता है, गुणकारी होता है गले के लिए भी, पेट के लिए, बहुत ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे भी मैंने यूज़ किया है। तो अभी फिर से मैं आपको दिखा दूँ ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसके ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी, एक कप पानी डालेंगे हम लोग उसमें और उस पानी को हमें गर्म होने से पहले ही इसमें गुड़ डाल देंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे एक टेबलस्पून के करीब मैंने गुड़ डाला है। आधी इंच अदरक को लेंगे और उसे कूट लेंगे, फिर यहाँ पे आधी इंच ही के करीब हम लोग ये लेंगे हल्दी, उसे भी कूट लेंगे, बड़ी इलायची कूटेंगे और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन सबको हम यहाँ पे डाल के कूट लेंगे। बस तुलसी को हमें यहाँ पे कूटना नहीं है, तुलसी को हम लोग को डायरेक्ट डालना है। तो सभी इंग्रेडिएंट को यहाँ पे अच्छे से रख के, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेमन का जूस भी जो है वो बन जाने के बाद काढ़ा ऊपर से स्क्वीज करके डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिंट के लीव्स, जो भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आप चाहें डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें अपराजिता के फूल भी डालते हैं। तो अब ये देखिए इसमें मैंने तुलसी का पत्ता और जो मैंने कूटे हुए इंग्रेडिएंट जो भी हैं, जो भी क्रस्ट इंग्रेडिएंट है वो सब मैंने डाल दिए हैं। और सर्व करने के बाद क्या करना है दोस्तों, एक ड्रॉप के करीब बस आपको गाय का घी डाल देना है। तो वो आपको जो भी, अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस एक ड्रॉप घी डालना है और उससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मैंने सर्व किया है। तो रेसिपी तैयार है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू दोस्तों।